हेलो बच्चों, बच्चों आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों आप लोगों ने सेंट्रीपेटल का नाम तो सुना है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल के इतने बारे में डिस्कस नहीं करते हम लोग, हर जगह पे सेंट्रीपेटल ही बोलते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगल और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। क्लियर है ना? कॉपी निकालो जल्दी से, एडिंग डालो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। शाबाश बेटा, शाबाश। चलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों बहुत ही सिंपल और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आप लोग सेंट्रीपेटल के बारे में तो जानते हो ना बेटा। एक बात समझो सिंपल वे में, कोई चीज सर्कल में रोटेट करती है ना, मान लिया कोई चीज सर्कल में रोटेट करती है, ठीक है, कोई बॉडी है। अगर मैं कहूं कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है ना, उस बॉडी पे डेफिनेटली लगेगा जो सर्कल में रोटेट करेगी। सिंपल ही बात है, सर्कुलर चीज पे सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा और वो सेंट्रीपेटल फोर्स उस पे सेंटर के साइड लगता है बेटा, याद रखना। अगर ये सेंटर की साइड, अगर ये बॉडी यहां पहुंच जाती है ना, तो ये सेंट्रीपेटल यहां पहुंच जाती है, तो ये सेंट्रीपेटल। मतलब सिंपल है कि सेंट्रीपेटल फोर्स हर जगह पे जो भी सर्कुलेट करेगा, हर पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपेटल लगेगा और उसकी डायरेक्शन सेंटर की साइड होती है। मतलब ये सेंट्रीपेटल है बेटा, सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल। अब क्वेश्चन उठता है कि सर सेंट्रीपेटल मतलब कोई फोर्स लगता है, कुछ चीज है ही नहीं, तो वो फोर्स किस चीज का है? वो कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो वो यहाँ पे। तो बेटा एक बात बताओ, कोई चीज अगर सर्कुलेट करती है तो किसी फोर्स की वजह से करती होगी ना। चाहे वो स्ट्रिंग में, जैसे स्ट्रिंग बंधी हुई है, लो बेटा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को क्या कर दो, इस तरह से रोटेट करवा दो, ये भी सर्कुलेट करेगा, क्या कर सकता है, सर्कल क्रिएट कर सकता है। मतलब सिंपल है, कोई ना कोई फोर्स तो होगा ना। जैसे एक मास है एम, एक दूसरा मास इसके चारों ओर सर्कुलेट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तो फोर्स होगा ना। कौन कौन सा फोर्स होगा बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दो मास के बीच में। मतलब सिंपल है, कोई ना कोई फोर्स तो ऐसा होगा जो उसके उसके चारों ओर घुमाता मिलेगा, पक्का ना। वही सेंट्रीपेटल फोर्स बोला जाएगा, क्लियर है? क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स है जिसकी डायरेक्शन सेंटर के साइड होती है, और वो फोर्स जो है उस बॉडी को किस में घुमाता है, सर्कुलर पाथ में घुमाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट समझो, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे बेटा खिंचाव टेंशन वाला फोर्स है, तो इसको ग्रेविटेशन फोर्स है बेटा, क्लियर है ना। और ये क्यू चार्ज है, दूसरे क्यू चार्ज के चारों ओर घूमता है, तो यहाँ पे भी कौन सा फोर्स है बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब जो फोर्स है ना वो किसका काम करते हैं, सेंट्रीपेटल का काम करने लग जाते हैं, और वो बॉडी सर्कुलेट करती रहती है, क्लियर है ना। अगला पॉइंट सुनो बच्चों, एक बात समझना, अगर सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर के साइड लगता है तो ये फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये गिर जाना चाहिए था ना यहाँ पे, देखो ऐसे आ जाना चाहिए था, ये ऐसे आ जाना चाहिए था, ये ऊपर चला जाना चाहिए था। मतलब अगर आपको लगता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर के साइड होती है, तो सेंटर के साइड फोर्स उसको खींच लेगा बेटा, वो क्या आगे बताओ, इनसाइड, ठीक है। तो इसका मतलब सर्कल पूरा कैसे पॉसिबल है बेटा? नहीं, यही बात समझने वाली है। अगर यहां सेंट्रीपेटल है, अगर सेंट्रीपेटल एक्शन है, अगर ये एक्शन है बच्चों, तो यहां पे एक फोर्स और होगा जो रिएक्शन वाला फोर्स होगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ गई बात? सिंपल है, यहां पे एक फोर्स और लगेगा बच्चों, जो बाहर की डायरेक्शन में लगेगा, जिसको पूरा सर्कुलेशन, पूरा पाथ कंप्लीट करवाएगा बेटा इसका। देखो ये सेंट्रीपेटल लगेगा सेंटर की साइड, और ये सेंट्रीफ्यूगल कहां लगेगा बताओ? बाहर की साइड। तो समझना पड़ेगा आप लोगों ने कि सेंट्रीपेटल सेंटर की साइड लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल इसे अवे लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, क्लियर है ना। इसको कई बार क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल जो सर्कुलर मोशन के अंदर जो सूडो फोर्स होता है ना, सूडो फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स बता रखा है मैंने, वीडियो लेक्चर देख लेना। सूडो फोर्स जो होता है ना, मतलब सूडो फोर्स होता है अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स इधर लगता है तो उस बॉडी पे वापस इधर फोर्स लगता है, तो उसको हम कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चा, बच्चा बताओ? सूडो फोर्स बोलते हैं। तो सूडो फोर्स जो होता है ना बच्चों, वो रिएक्टिव फोर्स होता है, क्लियर है ना बेटा। कौन सा फोर्स होता है? रिएक्टिव फोर्स। तो सुनो, इसमें मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूं। जैसे मैंने कहा एक बॉडी है यहां पे घूम रही है, ठीक है, सेंट्रीपेटल तो लगा सेंटर की साइड, लो सेंटर तो ये था, इसका मतलब ये नीचे नहीं आई ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल और लग रहा है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि सेंट्रीपेटल फोर्स का सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल होता है। सिंपल ही बात है बेटा। तो इसका मतलब द सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स आर कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही रीजन है बच्चों कि बॉडी
सेंटर की साइड नहीं खींच के आती क्योंकि उधर एक फोर्स और लग रहा होता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना। तो ये बॉडीज आराम से दोनों बैलेंस हो जाएंगे, आराम से ये सर्कुलेट करते रहेंगे, क्लियर है ना। मैं एक फोर्स पढ़ लेते हैं, उसका रिएक्टिव फोर्स डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आज मैं तुम बता रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हर जगह होता है बेटा, हर जगह पे अवे फ्रॉम द सेंटर। डायग्राम बना लो सेंट्रीफ्यूगल का, जहां सेंट्रीपेटल होगा वहां सेंट्रीफ्यूगल भी होगा, सेंट्रीफ्यूगल। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ, नोट कर लो, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। इसका मतलब जो सेंट्रीपेटल चाहेगा उसको रोकेगा सेंट्रीफ्यूगल, क्लियर बात है ना बेटा। जो सेंट्रीपेटल चाहेगा उससे उसको रोकेगा सेंट्रीफ्यूगल, क्लियर है ना। अगला पॉइंट समझो, इसमें मैं एक चीज और, इसकी वैल्यू कितनी होती है सेंट्रीपेटल की बताओ, सब कितनी होती है सेंट्रीपेटल की वैल्यू? सेंट्रीपेटल की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाय आर, बिल्कुल सही बात है, या एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर एंगुलर की टर्म में वेलोसिटी दे रखी है तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, और वी की टर्म में वेलोसिटी दे रखी है बेटा तो क्या होगा बताओ, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये ओमेगा क्या है, मान लिया ये ओमेगा से घूम रहा है बेटा, इसके चारों ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका ओमेगा ले लोगे। अगर ये पूछे नहीं सर ये तो वी स्पीड से घुमा, वी स्पीड दे रखी है इसके तो हर जगह पे, तो आप वी ले लोगे। तो मतलब समझो, अगर ओमेगा से कोई चीज घुमाई घूम रही है तो इसका मतलब वहां ओमेगा के टर्म ले लेंगे, और अगर वो वी दे रखा है हर पॉइंट पे तो आप वहां पे वी के टर्म ले लोगे। तो मतलब आर क्या है, आर है रेडियस, जो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है ना, वी और आर के बीच में 90° का एंगल होना चाहिए, तो आर जो है वो वी के साथ जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनेगी उसको हम आर बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला रेडियस, यहाँ पे तो रेडियस ही है ना वो, तो इसका आर की वैल्यू रेडियस के टर्म में यहाँ पुट कर सकते हो। ये सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला है, तो सेंट्रीफ्यूगल का क्या होगा, सेम, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, तो मतलब अगर सेंट्रीपिटल जो काम करता है उसको रोकता सेंट्रीफ्यूगल तो बराबर फोर्स का होगा ना, तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल जो होगा ना दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू बेटा एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों के दोनों। आप लोग इस चीज को दोनों फोर्सेस याद रखो, लेकिन साइन माइनस लगा सकते हो, अगर ये एक्शन है तो ये क्या उसका रिएक्शन, अगर इधर पॉजिटिव लोगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो आपको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर है ना। अगला पॉइंट समझो, एमवी स्क्वायर बाय आर तो याद होगा ना कि एमवी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, तो एमवी स्क्वायर बाय आर क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल भी होगा, लेकिन एक अंदर है सेंटर के साइड एक बाहर है, और वही बैलेंस करके उस चीज को सर्कल में कोई चीज घुमाती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, क्योंकि अब मैं एक चीज सिंपल बताता हूं बिल्कुल आप लोगों को, देखो नोट कर लिया सबने, ये थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल है ना हम लोग कम यूज करते हैं, हम सेंट्रीपेटल पे ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करने की ट्राई करते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल को यूज करके न्यूमेरिकल इजी हो जाते हैं, फील आ जाती है न्यूमेरिकल सोल्व करने की, क्लियर है ना। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि देखो ऐसा है, एक स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग जो है इस तरह से, ये स्ट्रिंग है, इसके साथ एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक क्या होगा कनेक्टेड है बेटा स्मॉल एम, ये सेंटर है, तो इस तरह से ये हर जगह पे घूमेगा बेटा, इस तरह से रोटेट करवा दिया, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, आपको पता है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन यही है, इस तरह से घुमा दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा आपको पता है ना किसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, और वो सेंट्रीपेटल कौन लगाए, किसका काम करेगा, टेंशन, क्योंकि यहाँ पे तो खिंचाव है तो मतलब टेंशन ही होगा ना, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी सेंटर के साइड, तो यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, क्लियर है ना। तो इसका मतलब यहाँ टेंशन किसका काम करेगी, सेंट्रीपेटल का, क्योंकि इसके डायरेक्शन सेंटर की साइड है ना, तो इसका मतलब ये सेंट्रीपेटल फोर्स यही है बेटा, यहाँ पे यही हुआ ना। लेकिन अगर हाईएस्ट पॉइंट का देखो, एच पॉइंट को, हाईएस्ट को, अगर ये टेंशन सेंटर की साइड है तो ये इसको नीचे खींच के ले आएगी, ध्यान से सुनना, इसको तो नीचे ले आएगी, लेकिन नहीं, नीचे आता नहीं है ना, आराम से पूरा सर्कल क्रिएट करता है ना, तो इसका मतलब इसको नीचे आने से रोकने के लिए ऊपर कौन सा फोर्स लगा बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल, याद रखना सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। और अगर मैं मान लिया आपसे कहूं कि यहां पे स्पीड v से पास कर रहा था तो सेंट्रीपेटल किसके बराबर होगा बताओ, सेंट्रीपेटल होगा एम वी स्क्वायर बाय आर, ये रेडियस है तो आर है बेटा, तो इसका मतलब ये भी किसके बराबर होगा बच्चों, एम वी स्क्वायर बाय आर, तो इसका मतलब इस चीज को स्टेबल रखने के लिए आप लोगों ने ये बैलेंस करना पड़ेगा सेंट्रीपेटल को, सेंट्रीपेटल यहाँ पे टेंशन का काम कर रही है, टेंशन उसका काम कर रही है, और सेंट्रीफ्यूगल उसे अवे जाएगा, क्लियर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इस चीज को फील कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल को, क्लियर है ना। अगला पॉइंट समझो, इस पे एक बेसिक न्यूमेरिकल है बिल्कुल बेटा, देखो
एक रिंग है, अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, जो जेई वगैरह में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, नीट वगैरह में, नीट में तो बहुत कम है क्योंकि नीट का लेवल इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जेई वगैरह में उसके क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाएंगे। देखो बेटा क्या है, एक बात बताओ, एडिंग डालो टेंशन इन ए रोटेटिंग रिंग, टेंशन इन ए रोटेटिंग रिंग क्या होगा, सुनना बेटा, अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल है बहुत। एक बात बताओ, एक रिंग रोटेट करना शुरू कर दे, ये रिंग है बेटा, ठीक है, ये रिंग है, और ये ओमेगा से घूमना शुरू कर दे सेंटर के अबाउट, इसके अबाउट बेटा, तो ऐसे ऐसे रोटेट करना शुरू कर दे पूरा रिंग बेटा, ये सेंटर के अबाउट रोटेट करना शुरू कर दे, तो मैं इसको ओमेगा से रोटेट करते हुए बाहर नहीं अंदर दिखा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि सेंटर घूम, सेंटर को छोड़ के बाकी चीजें इसके अबाउट घूम रही है, ठीक है। तो सुनो बेटा एक बात समझो, अगर ये रिंग घूमेगा तो इसका मतलब इस रिंग के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल, पक्का ये तो क्लियर है। सेंट्रीपिटल क्या लगता है, जब कोई सर्कुलेट करती है कोई चीज उस पर लगता है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर की साइड। तो इसका मतलब इसका हर पार्ट याद रखना, इसका हर छोटे से छोटा पार्ट, चाहे ये भी अज्यूम कर ले ये वाला, तो इसका मतलब उसकी उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा ना, किसके डायरेक्शन में, सेंटर के साइड, ठीक है ना, क्योंकि हर रोटेटिंग बॉडी के सेंटर के साइड एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। तो हमें यह भी बताया कि उसका एक फोर्स अवे भी लग रहा होगा, तभी तो चीज इजिली सर्कुलेट कर रही है ना, तो इसका मतलब यहां पे जो अवे लग रहा होगा उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। तो मैं एक चीज मानता हूं, यहां पे सुनना, हमें हमें निकालना टेंशन इन रोटेटिंग रिंग। तो सुनो बेटा क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा देखो यहां पे एक छोटा सा पोर्शन कट कर लिया मैंने, छोटा सा पोर्शन, देखो बेटा ठीक है, इस छोटे से पोर्शन के ऊपर अगर मैं देखूं कि कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, जिसकी डायरेक्शन सेंटर की साइड होगी, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो ये देखो ये छोटा सा पोर्शन क्या है, बिल्कुल बहुत छोटा पोर्शन है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, तो ये मान लेना बेटा मैं जूम कर रहा हूं, तो आपको छोटे से पोर्शन को थोड़ा सा मैं लेंथ वाइज मान रहा हूं, तो ये लेकिन है ये बिल्कुल टिप, जो ये टिप है ना बेटा आपकी सुई की जो नोक होती है ना उसके बराबर, इतना छोटा सा पोर्शन, लेकिन मैं उसको पूरा जूम कर रहा हूं, तो मैं इसको इतना बड़ा दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, इतना बड़ा, ठीक है। उसकी लेंथ को मैं क्या मान रहा हूं बच्चों, डीएल, यानी कि जो मैंने छोटी सी लेंथ माननी है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, तो वो डीएल है, ठीक है ना। सुनो ये छोटा सा पोर्शन जो मैंने मानना है, ये सर्कल में रोटेट कर रहा होगा ना बेटा, ठीक है, पूरे सर्कल में, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल भी लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा, दोनों आपस में बराबर होंगे तभी ये इजीली रिंग आराम से रोटेट करेगी। तो होता क्या है बच्चों, जब ये रोटेट करता है ना, ये अपने आप को इस तरह से, यहां टेंशन क्रिएट हो जाती है इस पूरे रिंग में, टेंशन किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, सुनना बेटा, मतलब यहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो सेंटर के साइड लगेगा, उसकी वजह से रिंग क्या हो जाएगा बताओ, क्या होएगा बताओ, अपनी रेडियस को छोटा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर के साइड। तो इसका मतलब यहां पे ना इस रिंग को एक एक्स्ट्रा खिंचाव क्रिएट हो जाएगा सेंटर के साइड, क्योंकि सारे के सारे डायरेक्शन सेंटर के साइड है, ये छोटा सा पोर्शन, इसकी भी डायरेक्शन सेंटर के साइड, इसकी भी, तो इसका मतलब इस रिंग के ऊपर एक टेंशन खिंचाव आ जाएगा बेटा, क्लियर है ना। अब इस खिंचाव को रोकेगा कौन, ओबेसी बात है, कौन रोकेगा, सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसका मतलब जो खिंचाव आएगा ना सेंट्रीपिटल वाला, उस खिंचाव को रोकेगा सेंट्रीफ्यूगल, जिसकी डायरेक्शन लगेगी बाहर के साइड, क्लियर है। तो सुनो बेटा, अगर मैं आपसे कहूं मैं छोटे से पोर्शन को यहां अलग से कट कर देता हूं, देखो बेटा मान लिया ये छोटा सा पोर्शन यहां मान लेता हूं, जो मैंने देखना ये खिंचाव देखना चाह रहा हूं जिसके ऊपर बेटा, तो ये छोटा सा पोर्शन है, इसकी लेंथ मैंने डीएल मान ली, डीएल मान ली। अब ये जो सेंटर से एंगल बना रहा है ना बेटा, ये सेंटर है इसका, देखो ये ओ है ना, तो ये ओ से जो एंगल बनेगा इसका ये बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा आपसे सिंपल बेटा कि देख तो जाना, इसको दो पार्ट में, ये एक्सिस है ठीक है, ये एंगल दी थीटा, ये एंगल भी डी थीटा, मान लिया बेटा कोई एंगल तो लेना पड़ेगा सेंट्रल एक्सिस से, तो मैंने इसको बीच से ऐसे बेटा कट किया, इसके दो पोर्शन बना लिए छोटे से, एक तो डी थीटा इधर और एक डी थीटा इधर, दो हाफ हाफ पोर्शन में मैंने एंगल वाइज इसको देख लिया कितना बड़ा पोर्शन कट किया, क्लियर है ना, बिल्कुल छोटा सा पोर्शन है, इसको भी मैंने जूम कर दिया, जूम करने के बाद मैंने देखा कि ये टू डी थीटा एंगल का पोर्शन है छोटा सा, ठीक है ना। तो सुनो बेटा, अब देखो जब ये इसके ऊपर खिंचाव आएगा, वो खिंचाव कैसे आएगा, तो बेटा एक बात बताओ, जो खिंचाव है ना वो कैसे आएगा, जो
रिंग है वो छोटा होना चाहिए। छोटा होने के लिए क्या होगा बेटा, एक बात बताओ, ये बड़ा सर्कल है ठीक है ना, इसको छोटा बनाना है तो क्या होगा, यहां से क्या करोगे बताओ, ऐसे ऐसे एकदम टर्न करवा दोगे ना ताकि छोटा सर्कल बन जाए, ऐसा तो नहीं है कि इसको ऐसे करके और बड़ा बना दोगे, मतलब इसको क्या करोगे, यहां से ऐसे खींचोगे तभी तो वैसे बात है सर्कल क्या हो जाएगा, छोटा हो पाएगा ना। तो इसका मतलब यहां पे जो फोर्स लगेगा ना खिंचाओ, पता कैसे लगेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, इस डायरेक्शन यानी कि जो खिंचाव आएगा ना वो ऐसे लगेगा ताकि मैं सर्कल को छोटा कर दूं, इसका मतलब ये टेंशन की डायरेक्शन होगी बेटा, इस छोटे से पोर्शन के ऊपर जो पोल क्रिएट कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स, क्लियर है ना। तो ये जो खिंचाव क्रिएट हुआ है सेंट्रीपेटल ने पहला कर दिया ताकि बेटा ये सर्कल छोटा बन जाए, इसका मतलब ये टेंशन है। तो टी की डायरेक्शन, ये भी टी की डायरेक्शन सुनते जाना बेटा, ये टी की डायरेक्शन दिखा दी। अब हमें क्या करना है, हमें इस पूरी के ऊपर खिंचाव बताना कि कितना खिंचाव, कितना टेंशन क्रिएट होगा ठीक है ना, रोटेट कर रहा है उस टाइम, तो क्या होगा देखते जाओ बेटा, ये डी थीटा दो एंगल हो गए ना, तो ये छोटा सा पोर्शन कितने एंगल का होगा, टू डी थीटा का, ये तो हुआ ना टू डी थीटा का। तो देखो ये टेंशन है ना, इस टेंशन के दो कंपोनेंट तोड़ो, देखना बेटा इस टेंशन के दो कंपोनेंट है, एक तो जाएगा इधर, एक आएगा इधर, इसके भी दो कंपोनेंट है, कैसे जाएगा, एक तो आएगा इधर बच्चों और एक आएगा, कंपोनेंट तोड़ने बता रखे हैं मैंने, एक इधर आएगा ठीक है। होगा क्या, अगर ये डी थीटा है, अगर ये डी थीटा है तो ये भी क्या होगा, डी थीटा ये हुआ ना ठीक है ना, अगर ये डी थीटा है तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से ये 90 आप खुद चेक कर सकते हो, एंगल बता सकते हो बेटा, मैं इसको अच्छे से एक बार ब्रेक कर दू, ये देखो अगर ये डी थीटा है ठीक है तो ये एंगल भी डी थीटा होगा, चेक कर लो चाहे बेटा आराम से, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर ये डी थीटा है तो ये भी डी थीटा होगा, कैसे, ये डी थीटा ये भी डी थीटा ठीक है ना, ये 90 माइनस डी थीटा कितना है, टोटल 90, तो ये क्या होगा डी थीटा, यही तो बनाना है, अगर ये डी थीटा है तो मैथमेटिक्स में सुनो ये भी डी थीटा होगा, आपका आराम से निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये टेंशन का इधर कंपोनेंट कौन सा गया, टी कोस डी थीटा, और इधर कौन सा आया बताओ, टी साइन डी थीटा, देखते जाओ बेटा याद है ना, सेम काम यहां पे है, अगर ये डी थीटा है तो यहां पे कौन सा एंगल इसके साथ होगा बताओ, ये एंगल जो होगा ये डी थीटा होगा ठीक है, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा टेंशन का, इधर टी साइन डी थीटा, और इधर कौन सा जाएगा, टी कोस डी थीटा, ये चेक कर सकते हो आप, हमारा काम से टाइम वेस्ट करना बेशक 5-7 मिनट इस पे, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्लियर है ना। अब सुनो बेटा एक बात समझनी पड़ेगी, यहां पे इस खिंचाव को, इस यहां टेंशन को कोई रिड्यूस कर सकता है, इसके साइज को कम करने में जो रोक सकता है वो सेंट्रीफ्यूगली तो है, तो सेंट्रीपेटल को छोटा करना चाह रहा है, सेंट्री की साइड लगता है जो, इसका मतलब इस पोर्शन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो इस खिंचाव को रोकेगा, वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल, ये तो बताया था, तो वो क्या होगा, अवे, देखना बेटा वो अवे होगा ना, कि ये खिंचाव ना हो तो मतलब ये छोटा रिंग ना हो तो इससे क्या होगा बताओ, अवे, बाहर खींचना चाहेगा उसको, तो इसका मतलब इससे अवे इस डायरेक्शन में एक 100% फोर्स होगा जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा लो नोट कर देता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा बेटा, सुनना अब होगा, अब ये रिंग ना छोटी हो ना बड़ी हो, सेम उसी शेप की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसके अपोजिट वाले फोर्स आपस में क्या हो रहे होंगे, बैलेंस हो रहे होंगे। तो देखो इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल है छोटे से पोर्शन के ऊपर लगने वाला, बेटा कंप्लीट नहीं है ये, सिर्फ इतने से पोर्शन का सेंट्रीफ्यूगल है, लो बेटा सेंट्रीफ्यूगल है, तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू, नीचे कौन लग रहा है बताओ, टू टी साइन डी थीटा, सिंपल बात है बेटा यही हुआ ना। और आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, m ओमेगा स्केलर, बताया था ना ओमेगा की, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा से घूम रहा है तो इसका मतलब ओमेगा के टर्म लोगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, m ओमेगा स्केलर, ये तो हुआ ना। और ओमेगा स्केयर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, m क्या है, मास, किसका मास है, स्मॉल पोर्शन का, क्योंकि इसके ऊपर निकाला मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, छोटे से पोर्शन के ऊपर निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब मास मत लो, इसको dm ले लो बेटा, क्लियर है। तो इसका मतलब dm * में ओमेगा स्केयर R is equal to 2t sin d theta, यही तो बनाना, सुनते जाना। अब आपको dm की वैल्यू निकालनी है कि dm कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड पता है ना, देखो बेटा टोटल मास m दे रखा है, जब एंगल कितना है 2 पाई है, तो 2 पाई के नाम का तो क्या है बेटा, 2 पाई के नाम का तो m है, 1 के नाम का m upon 2 पाई,
और बेटा ये 2d थीटा का है ये पोर्शन जो मैंने माना है, तो 2d थीटा है तो क्या होगा बेटा m अपॉन 2π मल्टीप्लाई 2d थीटा, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो इस छोटे से पोर्शन का क्या मास आ गया जिसके ऊपर क्या लग रहा है बताओ, जिसपे खिंचाव निकालना है, तो ये आ गया, ये यहाँ पे dm की वैल्यू पुट कर दो, dm इज इक्वल टू एम डी थीटा अपॉन पाई, तो इस वैल्यू को अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पे तो आपका रिजल्ट क्या आ गया देखो, एम डी थीटा अपॉन पाई, यही तो आना एम डी थीटा अपॉन पाई ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 2t। बेटा याद रखना साइन डी थीटा है ना, डी थीटा बहुत छोटा एंगल है ना, क्योंकि मैं तो जूम करके बना रखा है, तो बिल्कुल सुई की नोक कितना पॉइंट है ये वाला पॉइंट जो मान रखा है, लेकिन मैं जूम करके इसको बड़ा दिखा रखा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब 2t साइन डी थीटा को याद रखना छोटा एंगल है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, पक्की बात है ना, तो इसका मतलब इसको डी थीटा के बराबर लो बेटा पुट कर लिया, इफ एंगल आर स्मॉल लिख लेना, इफ एंगल आर स्मॉल। अगला पॉइंट सुनो, यहां पे होगा क्या, डी थीटा से डी थीटा क्या होगा बच्चों कैंसिल, मुझे टी की वैल्यू चाहिए थी ना, तो टी की वैल्यू कितनी आगे बताओ, कितना खिंचाव आएगा, तो टी की जो वैल्यू आगे दैट इज इक्वल टू, इसको नीचे डिवाइड में ले आओ, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन टू, नीचे पाई भी है ना, ये आगा खिंचाओ। बच्चों याद रखना किसी रोटेटिंग रिंग में अगर आप खिंचाव देखना चाहोगे जो सेंट्रीपिटल क्रिएट करता है उसके अंदर, उसके सर्कल को छोटा करना चाहता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन सेंटर की साइड होती है, तो याद रखना वो कितनी होता है 2m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 2π। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताओ टेंशन किस चीज का आता है, तो आपको टेंशन का पता होना चाहिए, वहां खिंचाव क्रिएट होता है दैट इज ओनली ड्यू टू सेंट्रीपिटल, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल उसको रोकेगा बाहर के डायरेक्शन में, तो सेंट्रीपिटल को जो ऑपोजिट वाले फोर्सेज उनको बैलेंस करते हैं, तो छोटे से पोर्शन के ऊपर क्या आ गया खिंचाव निकाल लिया, और ये जो छोटे से पोर्शन का खिंचाव है ना यही तो हर जगह होगा ना क्योंकि रेडियस बराबर है, इसका टेंशन यही रहना है, चाहे बेटा इस पे यहां निकाल दो चाहे यहां निकाल दो चाहे यहां निकाल दो, पूरे के ऊपर यही खिंचाव रहने वाला है एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2π, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आर रेडियस 2π और एम उसका टोटल मास बेटा, तो दैट इज इक्वल टू टेंशन, एडिंग यही है टेंशन इन दी रोटेटिंग रिंग, पता चल गया ना सेंट्रीफ्यूगल का रोल क्या होता है, जो सेंट्रीपिटल करना चाह रहा है उसको नहीं होने देगा, कौन सेंट्रीफ्यूगल उस चीज को स्टेबल रखने की कोशिश करेगा, रिंग छोटा हो रहा तो बड़ा एक्सपेंड बाहर के डायरेक्शन में लग जाएगा कि रिंग को नेचुरल जिस लंबाई उसी में रखूं, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए इस न्यूमेरिकल के बारे में, क्लियर है ना, ऐसे और भी न्यूमेरिकल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्लियर है ना, लेकिन इसको एडिंग डालो अच्छे से और नोट डाउन कर लो, ठीक है, चलो बच्चों।